यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। हिमाचल अभी तक में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे प्रदेश में। पहली बार हमीरपुर के गांव धनेटा में जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की और जनता की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान डीसी ऋचा वर्मा, एसपी रमन कुमार मीणा के अलावा जिला भर के सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, जनमंच के दौरान अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर ही होने पर लोगों में खुशी दिखाई दी। वहीं इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लोगों से खुलकर अपनी समस्याएं बताने को कहा और साथ ही लंबित समस्याओं के लिए भी 10 दिन के भीतर समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक नई पहल की है जनमंच की, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को एक ही मंच पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उपयुक्त मंच मिला है। यहां पे खुशी हो रही है कि लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी फटाफट जो है उनकी समस्याओं का निपटारा मंत्री महोदय स्वयं सुन के और कंसर्न ऑफिसर्स के पास उनको भेज रहे और जल्दी से जल्दी सारी समस्या का छुटकारा हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जी, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की है ये जनमंच, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी और जनमंच इसी तरह से जिला हमीरपुर में होते रहे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमीरपुर से हमारे संवाददाता जसबीर कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जसबीर, क्या कुछ रहा इस जनमंच कार्यक्रम में? पहली बार इस तरीके की पहल हिमाचल सरकार की ओर से की गई है। आप बिल्कुल सही कहा, ये जनमंच कार्यक्रम जो पहली दफा प्रदेश में शुरू हुआ है, काफी जिलों में इसका कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है वो जनता में ये देखिए, जब सुबह जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले काफी संख्या में लोग काफी एक्साइटेड थे कि उनकी समस्या घर द्वार पे सुनी जा रही है। तो जब मंत्री पहुंचे तो लोगों ने उनका काफी गर्मजोशी स्वागत किया है और अपनी जनसमस्याओं मौके पर निपटारा भी मंत्री ने किया है। तो अभी मैं बता दूं, अभी जो सिचुएशन है, अभी भी लोग काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी जनसमस्याएं सुनी जा रही है। कितने लोगों ने अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखा और कितने लोगों की समस्याओं का निपटारा भी हुआ? अगर आपको फिलहाल 12 या 12:30 बजे तक का जो आपको डाटा बताएं, तो उसमें कुछ 400 के करीब जो जनसमस्याएं थी वो मंत्री ने स्वयं निपटाई हैं। उसमें विभागीय अधिकारियों का वहाँ पे सहयोग रहा है, लेकिन जो मौके पर इनका निपटारा किया, तो लोग जो खुशी खुशी अपनी समस्याओं का निदान घर जा रहे हैं तो वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक उनका ये कहना है कि ये जो जनसमस्याएं निपटाने के लिए एक मंच मिला है, बहुत ही बढ़िया है और सराहनीय है। जी जसबीर, किस तरीके की समस्याएं थी जो जनता की तरफ से मंत्री जी के सामने रखी गई? इसमें प्रमुखता से हम जनसमस्या की बात करें तो जो जमीनी विवाद भी आए हुए और जो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, कई जगह पे पील स्कीमें नहीं है, वहाँ पे उन्होंने रिमांड की गई है और फिलहाल कई जगह पे सड़क मार्ग कच्चे हैं, तो ऐसी समस्या प्रमुखता से अभी तक फिलहाल आ रही है और अभी कुछ और भी समस्या आने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों के समस्याओं का समाधान किया गया, जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की गई है। एक अच्छी पहल हिमाचल सरकार की तरफ से की गई है, जहां पर मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी।